Hi everyone, welcome back to our YouTube channel BIM for Construction. So Navis tutorial की सीरीज हमने स्टार्ट करी थी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ वॉक थ्रू इन Navis. इससे पहले अगर आपने कोई वीडियो मिस करी है इस Navis सीरीज की तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं. आपको जो है फुल Navis लर्न करने के लिए हमने सारी जो भी यूजफुल वीडियोज है वो अपलोड कर रखी है. सो वॉक थ्रू इन Navis मीन्स अगर आपकी कोई बिल्डिंग है, आपका कोई स्ट्रक्चर है, आप उसको बिल्डिंग को जो है पूरा ओवरव्यू करना चाहते हैं, लाइक वन बाय वन रूम या वन बाय वन आप जो है उसके किसी एलिमेंट्स को देखना चाहते हैं, तो आप एक वॉक थ्रू क्रिएट कर सकते हैं Navis के थ्रू भी. और अदरवाइज कुछ और भी प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि Navis के से भी ज़्यादा बेटर वर्क करते हैं, बट अगर आप Navis के थ्रू ही वॉक थ्रू क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका क्या मेथड रहने वाला है वो हम आपको बता रहे हैं. तो फर्स्ट मेथड जो कि आप देख सकते हैं, हम सबसे फर्स्ट मेथड में व्यू पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं. मीन्स जो हमारा हाउस का फ्रंट था उसके पे एक व्यू पॉइंट क्रिएट किया, लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं व्यू नाम सेव हुआ. देन हम व्यू वन हमने सेकेंड व्यू पॉइंट क्रिएट किया. देन हॉल में हमने एंट्री लिए और हॉल में एंट्री आने के बाद जो है हम एंगल सेट करेंगे. आपके व्यू पॉइंट क्रिएट करने से पहले एंगल वगैरह सेट कर लीजिए. देन जो है हमने थर्ड व्यू पॉइंट सेट किया. देन फिर हम किचन की तरफ गए और ये जो मूवमेंट है जो हम रूम बाय रूम या किचन की तरफ जब जा रहे हैं तो हम जो हमारे नेविगेशन टूल होते हैं जो कि आप राइट हैंड साइड कॉर्नर में देख सकते हैं उनका और माउस का यूज़ करते हैं. सो वन बाय वन हम एक एक रूम में जाएंगे और जो व्यू पॉइंट सेव है वो व्यू पॉइंट सेव करते जाएंगे. व्यू पॉइंट कैसे बनाते हैं इसकी वीडियोज भी हम अपलोड कर चुके हैं. सो आपको जो है आपके हाउस के फ्रंट की, देन पोर्च की एंट्रेंस पर और आपके होम पर, देन किचन पर, देन आपका जो रूम है, वन बाय वन सबके व्यू पॉइंट आप क्रिएट करेंगे. आप व्यू पॉइंट को रीनेम भी कर सकते हैं, आपके जैसा भी व्यू व्यू वन व्यू टू के नेम से सेव हो रहा है आप इन्हें सेव कर सकते हैं, लाइक हाउस फ्रंट, बालकनी, हॉल, किचन, उस हिसाब से भी आप जो है व्यू पॉइंट को नेम देकर सेव कर सकते हैं. और एंगल आपको सेट कर लेना है व्यू पॉइंट सेव देते समय, क्योंकि वही एंगल आपको जो है वॉक थ्रू के एनिमेशन में दिखेगा. तो इसी के साथ एक सैम्पल अभी हम क्रिएट कर रहे हैं. आप जो है वन बाय वन आप कैसा वॉक थ्रू बनाना चाहते हैं, कितना डिटेल में वॉक थ्रू बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप व्यू पॉइंट सेव कर सकते हैं. सो यहाँ पर अभी हमने कुछ व्यू पॉइंट सेव कर लिए हैं जो कि आप देख सकते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड में. और जो है आप और व्यू पॉइंट को जब सेव करते हैं तो आपको एंगल, आपको बिल्डिंग को किस डायरेक्शन से देखना है इसके लिए आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में आपको नेविगेशन टूल ऑप्शन अवेलेबल होता है. इसके बाद व्यू पॉइंट बनाने के बाद हम एनिमेशन में गए जो कि रिव्यू के पास हमारा होता है. और जितने भी हमारे व्यू पॉइंट थे उस व्यू पॉइंट को हमने एनिमेशन वाले जो फोल्डर जो नया क्रिएट हुआ उसके अंदर हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए. ड्रैग एंड ड्रॉप करते ही तो आपको एक प्ले का बटन दिखेगा. आप जैसे प्ले करेंगे एनिमेशन वन को तो वो पूरे व्यू पॉइंट जो भी आपने क्रिएट किए थे वो वन बाय वन प्ले होने लगेंगे. उनके बीच में जो है आप टाइम लैप्स कितना रखना चाहते हैं ईच व्यू पॉइंट के बीच में वो आप सेटिंग्स से चेंज कर सकते हैं. सो ये एक हमारी 15 सेकंड्स की वीडियो क्रिएट हो गई. सो हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप वी हैव टू क्रिएट द व्यू पॉइंट्स. सेकंड स्टेप आप एनिमेशन टैब पे जाएंगे Navis की और एक जो है उस पर रिकॉर्ड का ऑप्शन करते ही आपके पास एक एनिमेशन वन या जो भी नेक्स्ट होगा उस हिसाब से आपके पास सेव हो जाएगा. देन आप कि जितने भी व्यू पॉइंट्स आपने बनाए हैं उन व्यू पॉइंट्स को उस एनिमेशन वन के अंदर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और उसके बाद उस एनिमेशन वन को आपको प्ले कर देना है. प्ले करते ही जो भी आपने व्यू पॉइंट्स बनाए थे वन बाय वन वो प्ले होने लग जाएंगे. तो ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड जिसके थ्रू आप Navis के अंदर वॉक थ्रू क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमारा व्यू पॉइंट बेस्ड रहता है. इसके साथ हमारा सेकेंड मेथड और होता है जिसके अंदर हम व्यू पॉइंट्स क्रिएट नहीं करते हैं. हम जो है जो नेविगेशन टूल बार आपको दिख रहे हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड के अंदर जिसमें कि जूम होता है, पेन टूल होता है, ऑर्बिट होता है, वॉक थ्रू होता है, इसके थ्रू हम वॉक थ्रू करते हैं. और इस आप देख सकते हैं एनिमेशन के अंदर रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल रहा है, आपको रिकॉर्ड पर क्लिक करना है और आपको जस्ट वॉक थ्रू करना है आपके एरियाज पे जो कि आप आपके एनिमेशन वीडियो में दिखाना चाहते हैं और वो रिकॉर्ड ऑन रहेगा और लास्ट में आप उस रिकॉर्ड को पॉज करके उसको सेव कर सकते हैं. तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन है, इसमें हम जो है व्यू पॉइंट्स का यूज़ नहीं करते हैं. तो आपको जो भी बेटर लगे, अगर आप नेविगेट इजीली कर सकते हैं और तो आप नेविगेशन के थ्रू वॉक थ्रू बना सकते हैं. अगर आपको नेविगेशन में इश्यूज है तो आप जो है व्यू पॉइंट
का यूज करके भी आप वॉक थ्रू बना सकते हैं। सो ये दो मेथड है, सेकेंड मेथड जो कि हम नेविगेट कर रहे हैं वन बाय वन। सो इसमें आपको जो भी टूल इजी लगे आपको इन नेविगेशन टूल के उन टूल्स का यूज करना होगा। तो इसका सैंपल भी एक हम आपको बना के दिखा देते हैं। इसके साथ ही अगर आपको जो भी वीडियोस हम बनाते हैं उसमें कुछ डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक हमारा 20x50 हाउस प्लान है जिसका वॉक थ्रू हम अभी क्रिएट कर रहे हैं। सो आपको फाइनल होने के बाद रिकॉर्ड पे अगेन प्रेस करना है, और जो है आपकी वीडियो एनिमेशन जैसा कि नेक्स्ट नेम एनिमेशन 2 के नाम से सेव होगी। सो फर्स्ट में आपको व्यू पॉइंट विजिबल हुए, सेकंड में कोई भी व्यू पॉइंट नहीं है, आपको डायरेक्ट प्ले करना है और आपकी वीडियो जो है प्ले होगी जैसे भी आपने वॉक थ्रू के अंदर सीन्स स्टार्ट किए थे। सो ये था हमारा सेकंड मेथड। आप कमेंट करके बताइए आपको जो है कौन सा मेथड ज़्यादा ईजी और बेस्ट लगा, और व्यू पॉइंट क्रिएट करके और जो है नेविगेशन टूल का यूज करके रिकॉर्ड कर देख सकते हैं आप। सो जो हमारा सेकंड मेथड था नेविगेशन टूल का यूज करके और रिकॉर्डिंग ऑन रखकर एनिमेशन के अंदर, इसके थ्रू जो वॉक थ्रू क्रिएट हुआ है ये भी काफी अच्छा वॉक थ्रू क्रिएट हुआ है। सो अगर आपके प्रोजेक्ट में डिमांड है कि आपको वॉक थ्रू क्रिएट करना है तो आप इन टूल का यूज कर सकते हैं और क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। मोर वॉक थ्रू डिटेल और वॉक थ्रू की क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए अदर प्लेटफॉर्म्स होते हैं तो उनका भी जो है कंपनीज यूज करती हैं। रेंडरिंग क्वालिटी उनकी अच्छी हो जाती है वीडियोस की और अदर प्लेटफॉर्म का यूज करके, बट अगर नेविस से अगर आपको बेसिकली आपका यूज हो रहा है और आपको एक सैंपल देना है तो आप नेविस का यूज कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और हमारी जो हमारा नेविस की जो सीरीज है उसका मोस्ट जो पार्ट 80% हम अपलोड कर चुके हैं, और 3-4 और लास्ट वीडियो आएगी, उसके बाद हमारा जो नेविस ट्यूटोरियल है वो पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। यहाँ से आप एनिमेशन एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपको मिलता है, आप एक्सपोर्ट दे सकते हैं एनिमेशन को आपकी सेटिंग्स के हिसाब से, और आपकी जो फाइल है आपके लोकल पाथ पर एक्सपोर्ट हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।